सीधा रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां पर मुंबई में मराठा आंदोलन की वजह से काफी दिक्कतें लोगों को हुई थी। सर, द लेटेस्ट अपडेट दैट वी आर गेटिंग इज दैट देयर आर 3 डेथ्स रिलेटेड टू द कोटा स्टर, एज व्हाट वी अंडरस्टैंड, वन यूथ, वन प्रोटेस्टर, वन कॉप, एंड ऑब्वियसली सौरभ इज टॉकिंग टू अस अबाउट दैट नाउ। सौरभ, एज यू टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ पीपल दैट हैव डाइड एंड व्हाई एंड हु दे वर, कैन यू ऑल्सो गिव अस अ सेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विद द पॉलिटिक्स अराउंड दिस सिचुएशन, बिकॉज 8 MLAs हैव थ्रेटन्ड टू क्विट but they haven't, what's going on? Well, one thing is for sure, there's definitely pressure on the administration to act, and that's because this Maratha protest has the backing of all political parties, including the entire opposition, and even the government is under pressure because the ruling party, the BJP, also has supported the Maratha Quota demand. But there is a legal wrangle and they can't do much about it because it's the Bombay High Court that stayed the quota. Bilkul. Now, beyond that, what we also know is the fact that, the protests have been continuing in places like Sangli, in places like Solapur. Yesterday also there was a bus being burnt in Solapur. And now there is this news of a youth dying in these protests. And that is something that has again, added to the pressure. Only we know there have been 3 deaths. Sorry? In this latest round of agitations. A cop died from a heart attack. Yes. सर, ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री फडणवीस मुलाकातों का दौर कर रहे थे, कल देर रात तक उन्होंने मीटिंग की है, तो क्या स्थिति बन रही है वहां पर इसको लेकर के? देखिए, बीजेपी का जो सारे नेता है वो भी इस मीटिंग में थे, बीजेपी के जो एमएलए थे वो भी इस मीटिंग में थे, राव साहेब दानवे बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी थे, और उनका कहना है कि वो इस कोटा के समर्थन में है और इस कोटा को लागू करने के लिए वो उनके हाथ में जो भी है वो कर रहे हैं, लेकिन ये मामला कोर्ट में है और जल्द से जल्द वो लोग जो आयोग बनाया गया है, कमीशन जो है, उनकी जो रिपोर्ट है उसको जल्दी से जल्दी कोर्ट में वो लोग पेश करेंगे, ताकि इस कोटा का जो मुद्दा है ये इसकी एक सलूशन निकल पाए। लेकिन ये बीजेपी का कहना है, लेकिन ऑपोजिशन का जो कहना है कि वो कि सरकार इसमें डिले कर रही है और ये इसी कारण ये एजिटेशन वायलेंट हो चुका है, तो इसमें बीजेपी के ऊपर प्रेशर है। बीजेपी का भी कहना है हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन मनुवरिंग स्पेस किसी के पास भी नहीं है।